वेलकम टू मैक्सोना। आज से हम थर्मोडायनेमिक्स बेसिक्स की एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम सिस्टम सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम को देखते हैं। सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये एक वाटर का टैंक है जिसका टेम्परेचर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने किया ये कि इसमें मैंने एक थर्मामीटर इंसर्ट कर दिया। थर्मोमीटर के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों, अगर हम इस वाटर कंटेनर को क्लोजली देखें तो हमारे पास जो हमारा रीजन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे काम का रीजन है, जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, वो सिर्फ इतना है। ये जो मैं रेड पोर्शन में मैंने जाहिर किया है, ये वाला जो है मेरा सिर्फ काम का रीजन है। इसके अलावा इसके आसपास जितनी भी जगह है, इसको मैं कह सकता हूँ सराउंडिंग्स। और ये जो मेरा अंदर वाला रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं कहूँगा सिस्टम। तो दोस्तों, सिस्टम जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है या एक रीजन ऑफ स्पेस होता है जहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिस्टम जो है वो एक ऐसा क्वांटिटी ऑफ मैटर या रीजन इन स्पेस होता है जो हम स्टडी के लिए चूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है इस वाटर कंटेनर का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ थर्मोमीटर और ये छोटा सा रीजन चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द कंटेनर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये वाला जो रीजन है मेरे एनालिसिस के लिए काफ़ी है। और ये वाला जो रीजन मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं कह सकता हूँ ये सिस्टम है। तो सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। सिस्टम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख ली। सिस्टम एक बहुत बड़े इक्विपमेंट का वो छोटा सा हिस्सा होगा जो मेरे एनालिसिस के लिए मुझे चाहिए होगा। अब सिस्टम को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी होता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। सिस्टम जो होता है वो हमारा एरिया ऑफ फोकस होता है। ये हमें डिफाइन कर देता है कि हमने काम किस जगह पे करना है, किस दौरान मेजर इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। अगर हम ये रीजन क्लियरली डिफाइन कर लें तो हमारा एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है। मिसाल के तौर पर, जिस तरह वाटर कंटेनर का हमने टेम्परेचर फाइंड करना था, तो मैंने थर्मामीटर लगाया और उसके आसपास जो थोड़ा सा रीजन था थर्मामीटर के साथ वाला, उसका मैंने टेम्परेचर फाइंड कर लिया। तो इस तरह मैं पूरे कंटेनर का टेम्परेचर फाइंड कर लिया। यानी इस थर्मामीटर और ये वाटर कंटेनर के वाले रीजन ने हमारी एनालिसिस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। इस रीजन को हम कहते हैं सिस्टम और इसके बाहर वाले को सराउंडिंग। और वो जगह जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री। अब ये जो दोस्तों बाउंड्री होती है, ये हो सकती है फिक्स्ड भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, या इमेजिनरी भी हो सकती है। ये चारों केसेस हम देख लेते हैं। अब ये वाला जो हमारा केस है, इस केस में ये जो बाउंड्री है, ये हमारी इमेजिनरी होगी, ये नज़र नहीं आएगी, हम अज्यूम करेंगे। अगर हम नोज़ल का केस कंसिडर करें, नोज़ल के केस में वाटर इनलेट आता है और हाई वेलोसिटी के साथ एग्जिट हो जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है नोज़ल की अपर और लोअर वाल्स, ये वाली रियल बाउंड्री होगी, और इनलेट और एग्जिट वाला ये इमेजिनरी बाउंड्री होगी, क्योंकि ये कोई नहीं होगी, हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा। इसी तरह मैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो बाउंड्री होगी वो ये जो बॉटम वाल है ये फिक्स्ड होगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन पिस्टन क्योंकि अप डाउन मूव कर सकता है, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला पिस्टन से नीचे वाला, ये होगा मूविंग बाउंड्री होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सिस्टम सराउंडिंग्स और बाउंड्री की समझ आ गई है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, काइंडली कमेंट, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।